जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी गायें भैंस भेड़ बकरी कटिया बछिया को समय पर हीट में कैसे लाएं। दोस्तों देखने को मिलता है कि कई बार हमारी भैंस तार देती है लेकिन हीट में नहीं आती, कई बार वो डोके भी भरती है लेकिन हीट में नहीं आती। तो ऐसे में जो उसका दो ब्यांत का अंतराल है वो लंबा होता जाता है और वो ड्राई पीरियड भी उसका काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोस्तों इन समस्याओं से बचने के लिए हम हमारी गाय भैंस को समय पर हीट में कैसे लाएं, उसके लिए हम कई सारी औषधियां यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो देसी तरीका है उस पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ मेडिसिंस बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करके हम हमारी गाय भैंस को समय पर हीट में ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तीन मेडिसिंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजाना HS कैप्सूल के बारे में, जो कि इंडियन हर्ब्स कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारी गायें भैंस या कटिया बछिया है उनके अंडाशय में कोई कमी होती है जिसकी वजह से वो समय पर हीट में या उत्तेजित नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में हम इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस कैप्सूल की अगर हम मात्रा के बारे में बात करें तो गाय भैंस कटिया बछिया को हमें प्रतिदिन 3 कैप्सूल देने होते हैं और जो भेड़ बकरी है उसे प्रतिदिन 2 कैप्सूल देने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे हमें पशुओं को किस तरीके से देना होता है। तो दोस्तों इसे निर्धारित मात्रा के अनुसार हमें हमारे पशुओं को देना होता है और इसके बाद हमें 10 दिनों तक वेट करना होता है कि वो गाय या भैंस के हीट आने का। अगर वो 10 दिनों के अंदर अंदर हीट में नहीं आती है तो 11वें व 12वें दिन हम इस प्रक्रिया को दोबारा से दोहरा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस पशु में मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज पदार्थों की कमी न हो। अगर उस पशु में खनिज पदार्थों की कमी है तो आप वहाँ पर उसे मिनरल मिक्सचर भी निर्धारित मात्रा में दीजिए। दोस्तों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेयरी फार्म है वहाँ हम हमारे पशुओं का जो जनन प्रक्रिया उसको निश्चित रूप से चलाने के लिए हम इन मेडिसिंस का उपयोग कर सकते हैं। जब आपकी भैंस को बच्चा दिए हुए 60 दिन हो जाए उससे पहले अगर वो हीट में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप 61वें व 62वें दिन इस औषधि का यूज़ कर सकते हैं। और अगर 10 दिनों तक हीट में नहीं आती है तो आप 72वें और 73वें दिन इस औषधि का पुनः यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस औषधि का यूज़ करके अपने गायें भैंस या जो छोटे पशु हैं उन्हें निश्चित समय पर हीट में ला सकते हैं और उन्हें गर्भाधान करवा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर बात करते हैं जानोवा कैप्सूल के बारे में, जो कि डाबर आयुर्वेद कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों हमारे पशुओं में कई बार क्या है कि हीट के लक्षण सही से नहीं दिखाई देते, यानी कि साइलेंट हीट में आते हैं। कई बार हमारे पशु सही समय पर हीट में नहीं आते, कई बार जो हमारी गायें भैंस है बच्चा देने के काफ़ी समय तक हीट में नहीं आती, या कई बार उनके अंडाशय में कोई दिक्कत होती है, तो इन सभी दिक्कतों में हम इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मात्रा के बारे में अगर बात करें तो हमें गायें भैंस और जो कटिया बछिया उन्हें हम 3 कैप्सूल प्रतिदिन दे सकते हैं, और जो छोटे पशु हैं जैसे बकरी भेड़ और सुअरनी है उन्हें प्रतिदिन 2 कैप्सूल दे सकते हैं। दोस्तों यह जो मेडिसिन है वो 6 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है, जिसे कि छोटे पशुओं में हम 3 दिन यूज़ कर सकते हैं और बड़े पशुओं में 2 दिन। दोस्तों इसके देने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इस कैप्सूल को हम निर्धारित मात्रा के अनुसार दे सकते हैं और 10 दिनों तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर 10 दिनों तक हमारा पशु हीट में नहीं आता है तो इसी प्रक्रिया को हम दोबारा से दोहरा सकते हैं। और दोस्तों आपको ये जो औषधियाँ हैं इन्हें देते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पशु में किसी अन्य मिनरल की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी ये जो ये औषधियाँ हैं वो सही तरीके से काम कर पाएंगी। दोस्तों नंबर 3 पर हम बात करते हैं एलोस कंपाउंड के बारे में। दोस्तों यह है प्रोडक्ट एलार्सिन कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को हम अगर हमारा पशु समय पर हीट पर नहीं आता है, उसके अंडाशय में कोई दिक्कत है, वो साइलेंट हीट में आता है, या जो भी दिक्कत है हीट में आने से संबंधित, उन सभी स्थितियों में इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे देने के जो मात्रा है उसके बारे में अगर बात करें तो गायें और भैंस को दिन में 2 बार 5 से 10 टैबलेट दे सकते हैं 3 से 6 सप्ताह तक, और जो आपकी कटिया या बछिया है उसे आप
पाँच से दस टैबलेट दिन में दो बार अधिकतम दो महीने तक दे सकते हैं। और जो छोटे पशु हैं जैसे सूअरनी है, बकरी है या भेड़ है, उन्हें दो से तीन टैबलेट दिन में दो बार आप एक महीने तक दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस टैबलेट को देते समय ये ध्यान रखना है कि जब आपका पशु हीट में आ जाए तो उसके बाद इस टैबलेट का यूज़ करना आप बंद कर दें। दोस्तों, इसकी पैकिंग के बारे में अगर बात करें तो यह टैबलेट 100 से लेकर 1000 टैबलेट की पैकिंग में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये कुछ औषधियाँ थी जिसे यूज़ करके आप अपनी पशु को समय पर हीट में ला सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिंस हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, आप अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने किसान भाइयों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।